हालात चाहे कैसे हो, हर मोड़ पे साथ खड़ा रहता है परिवार। तुम टूटोगे तो संवार के रख देता है परिवार। जीवन में खुशी हो या ना हो, बस उनके साथ से ही खुशियों का एहसास करा देता है परिवार। कविता, कॉलेज जाने से पहले ब्रेकफास्ट कर लेना। हाँ मम्मा। आप कुछ बोलो ना। ये सेक्शन 377 और एलजीबीटी क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर ये एलजीबीटी क्या है? कुछ नहीं, तू अपना काम कर। कविता इधर आ। अब तू मुझे ये बता, ये सेक्शन 377 और एलजीबीटी क्या है? न्यूज में आजकल यही चल रहा है। पापा, हर किसी को अधिकार है प्यार करने का, राइट? और सेक्शन 377 इसमें हेल्प करता है। इट्स लाइक गर्ल्स लव्स गर्ल्स एंड बॉयज लव्स बॉयज। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? आई थिंक मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि एक दूसरे के साथ पूरी लाइफ सुख और दुख में साथ में रहे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छी बात है ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मम्मा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वैसे देखने जाए तो इसमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं। उनकी नजर से देखे तो सही है, प्यार करने का अधिकार सबको है और हम किसी को रोक नहीं सकते प्यार करने से। मामा, पापा, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। कविता बेटा, हमें पहले से ही मालूम था दैट यू आर अ लेस्बियन। कैसे? 2-3 दिन पहले मैं तेरे कमरे में गई थी तुझे गुड नाइट कहने, तू तो बिल्कुल सो गई थी। मेरा लैपटॉप खुला था और मैंने तेरी और प्रिया की पूरी चैट पढ़ ली, तभी मैं समझ गई और मैंने तेरे पापा को भी बताया। ये सब पापा प्लान था? इसमें कुछ बुराई नहीं है, मगर ये सब हमें तुम्हारे मुंह से सुनना था। तुम्हें लड़कियां पसंद है? हाँ, ये बात तुम किसी को बता नहीं सकते। तुम्हें हमारी चिंता है, समाज की फिक्र है। वो क्या कहेंगे ये सोच सोच कर तुम बेटा। अरे नहीं बेटा। ए स्वीटहार्ट, यू विल ऑलवेज बी माय No matter what. I don't know कि मैं आप लोगों से क्या करूं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेटा। I hope you still love me. Of course. हम तुम्हें चाहते हैं, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे,
चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू। इश्क यूं बेवजह तो नहीं होता, किसी से मोहब्बत का एहसास यूं बेवजह तो नहीं होता। कोई किसी पे जी के मरता है तो कोई किसी पे मर के जीता है, यह एहसास बेवजह तो नहीं होता।